आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई अजाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहां से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नक्शल में कहा गया है, सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़ बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में।